गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब आप लोगों ने पढ़ाई भी चालू कर दिया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स नहीं लाए हैं वो कोर्स लेके आए हैं, ठीक है। तो अभी तक बेटा आप लोगों को मैं वीडियो लेक्चर टॉपिक बाई टॉपिक कुछ प्रोवाइड करा रहा था और आई होप यू आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी कि टॉपिक उनको टॉपिक बाई टॉपिक तो खैर मैं दे रहा था, लेकिन चैप्टर अपन सीक्वेंसली चालू नहीं कर पा रहे थे। कैसे चैप्टर चालू करें, क्या करें, क्वेश्चन आंसर कहाँ है इनके, वगैरह वगैरह कई सारे डाउट्स मेरे सामने आए थे। प्रॉब्लम कई बच्चों की कंप्लेन आ रही थी, तो अब हम उसी कंप्लेन को दूर करते हुए आज से हम आपकी जो 6th क्लास की साइंस की टेक्स्ट बुक है वो मैं प्रॉपरली आपको पेज वाइज चालू कर रहा हूँ ना, चैप्टर वाइज। और चैप्टर वाइज में भी पेज वाइज जो इस ऑफलाइन में हम लोग पढ़ाते हैं उसी तरीके से आज आपको ऑनलाइन में हम लोग प्रोवाइड कंटेंट कराएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो जो आपकी मैं बुक का जो कवर पेज दिखा देता हूँ, ये आपका 6th क्लास का साइंस की टेक्स्ट बुक ऐसी है, ठीक है। आपको बाजार जिन लोगों ने मार्केट से परचेस करके लेके आ गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं लाए हैं वो स्टेशनरी दुकान पे जाके शॉप पे जाके ऐसी जो साइंस की आपकी बुक है वो परचेस करें, ठीक है स्टूडेंट्स। आज हम प्रॉपरली कंटेंट वाइज टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्लियर करेंगे, ठीक है। जो भी टॉपिक वाइज जैसे समरीज अपन सब चीज़ समझेंगे, जैसे अपन ऑफलाइन पढ़ते थे वैसे ऑनलाइन में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अभी तक जो आपने पढ़ा उसको भी आपको समझना, वो भी कंटेंट आपके बीच बीच में आ जाएंगे और टॉपिक आपका दोबारा से क्लियर होता जाएगा। एक बात मैं दोबारा से बोलता हूँ, जब भी अब आज से जो भी मैं चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ साथ में आपको मैं पेज नंबर और लेसन नंबर बता दिया करूँगा। आपको जब वीडियो लेक्चर आप इसको देखोगे, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपके पास मोबाइल मिलता है पेरेंट्स आपको देते हैं, तो आपको बुक खोलना है, बुक में बुक पर फिंगर रखकर रीड करना है। मैं बोलता जा रहा हूँ आपको वहाँ पर उंगल फिंगर को रखना है और पढ़ते हुए जाना है। मैं बीच बीच में कुछ हिंदी वर्ड्स बोलूँगा, कुछ वर्ड मीनिंग्स बताऊँगा। आपको पेंसिल रखना है, पेंसिल से राइट करना है, ओके स्टूडेंट। एक बात और, आप लोग फर्स्ट टाइम साइंस पढ़ रहे हो, इससे पहले भी आप लोग 5th क्लास तक आप लोगों ने पढ़ाई करी थी साइंस की, लेकिन वो मिक्स थी, ठीक है। ईवीएस के ही दो पार्ट हो जाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स बता देता हूँ। जो 5th क्लास तक हमने ईवीएस पढ़ा था, एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है स्टूडेंट। ये कॉमन चलता है, इसमें जो आपका होता है साइंस प्लस सोशल साइंस, ये मिक्स रहता है। लेकिन जैसे आप 5th क्लास क्रॉस करते हो ये सब्जेक्ट अलग अलग दो पार्ट में बढ़ जाएंगे, साइंस अलग हो जाएगी, आपकी अलग से टेक्स्ट बुक रहेगी और इसकी टेक्स्ट बुक अलग रहेगी। तो क्लास 6 से और आगे तक अब हम सेपरेट सब्जेक्ट साइंस को पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बुक के बारे में गाइड कर दिया है, तो चैप्टर अपन चालू करते हैं। जो इस टेक्स्ट बुक में लगभग मैं आपको खोल के थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें 16 चैप्टर है और NCERT बेस्ड है ये अपनी। इस बार आपका सिलेबस भी चेंज हुआ है, जो इस बार बुक है अपनी वो क्या है, NCERT बेस्ड है, ठीक है। देन जो CBSE स्कूलों में ये बुक चलती है वही अब अपने RBSE में भी ये बुक आपकी चलेगी। तो पैटर्न भी अपन CBSE का पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो कॉन्सेप्ट आपके अच्छे क्लियर होते जाएंगे क्योंकि इसमें डिटेल कॉन्सेप्ट रहता है, ओके। और भी कुछ चीज़ें मेरे को एक्स्ट्रा चीज़ें बताने वाली होंगी, वो भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा, ओके स्टूडेंट्स। आपके जो इस क्लास 6 में लगभग 16 चैप्टर है, कितने चैप्टर हैं, 16 चैप्टर हैं, ठीक है। तो आज से हम ऑफलाइन क्लासेज की तरह ही पढ़ेंगे इसको, मैं बुक में से आपको रीड करवाऊंगा। आपको पेंसिल लेके रखना है, बुक लेके रखना है, वर्ड मीनिंग्स जो भी चीज़ें होंगी मैं बोलूँगा लिखने के लिए, बोर्ड पे भी राइट करा दूंगा आपको, नोटबुक में या बुक के जो जैसे अपन क्लास में करते हैं वर्ड मीनिंग के नीचे पेंसिल से राइट कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आओ हम सबसे पहले आप पेज नंबर 5 खोलिए, है ना बेटा। इसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, पेज नंबर 5 चैप्टर 1। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपका पेज नंबर 5 है और चैप्टर 1 ओपन कर लीजिएगा। तो बेटा पहले तो हम टॉपिक के बारे में समझेंगे। हमारा जो टॉपिक का नाम है, मीन्स चैप्टर का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, फूड मीन्स भोजन, वेयर मीन्स कहाँ से, इट कम फ्रॉम आते हैं, भोजन कहाँ से आता है, जो हम लोग खाना खाते हैं वो आता कहाँ से। अब क्या बोलते सर हमारे तो मम्मी बनाती है, सब्जी बनाती है, वहाँ से आता है,
वो तो ठीक है, लेकिन हम फिर आपको हम मार्केट से लेके आते हैं, तो मार्केट में कहाँ से आता है? आप लोग बोलते हैं कि सब खेतों में उगते हैं सब्जियाँ वगैरह, वहाँ से आते हैं, ठीक है, तो खेतों में कहाँ से आते हैं? तो इस चीज़ को आज हम जानेंगे, इस चैप्टर में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। फूड हमें कहाँ से मिलता है, सोर्सेज कहाँ कहाँ से है, कैसे प्रिपेयर होता है, हमारे हेल्थ को कैसे हेल्थ में हम फूड से क्या क्या मिलता है, इन सब चीज़ों को वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ों को हम जानते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहला आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, हम समझिएगा क्या होता है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर दियर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग मीन्स सजीव, नीड्स जरूरत पड़ती है फूड फॉर दियर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सर्वाइवल जीवन जीवित रहने के लिए, ग्रोथ बढ़ने के लिए, सभी सजीवों को, चाहे एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, बर्ड्स, कोई भी हो जो सजीव है, प्लांट्स, ट्री वगैरह कोई भी हो, सभी सजीव है, लिविंग है, इनको जीने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है, फूड रिक्वायरमेंट से नीड रहता है इनको। वाट एवर वी ईट और ड्रिंक इज ए फूड, फॉर एग्जाम्पल राइस, चपाती, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, टी, कॉफ़ी, मिल्क, एग्स, मीट, कर्ड, घी, ऑयल एक्सेट्रा, ETC दे रखा है आपको। तो इसमें आपको यहाँ पर जो हमें ईट है, कुछ फूड तो हमें ईट खाते हैं और कुछ हमें ड्रिंक के रूप में हम लोग लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिया गया है, सबसे पहला राइस, चावल हम लोग खाते हैं, चपाती, रोटी वगैरह हम लोग खाते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स, सब्जियाँ भी हम लोग लेते हैं, फ्रूट्स, फल, टी, चाय पीते हैं हम लोग, कॉफ़ी भी पीते हैं, इसके बाद मिल्क, दूध भी ड्रिंक लेते हैं, एग्स, मीट, तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जिनका यूज हम फूड में लेते हैं। ऑल आर फूड्स, फूड इज़ द फ्यूल ऑफ द बॉडी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, हम लोग साइकिल चलाते हैं, बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल वगैरह वगैरह, इन सब में क्या होता है, फ्यूल चाहिए, हमें ईंधन चाहिए। यदि आप मोटरसाइकिल में फ्यूल नहीं दोगे, मींस पेट्रोल नहीं उसमें हम भरेंगे, तो क्या होगा, मोटरसाइकिल हमारा चलेगा नहीं, राइड करेगा मोटरसाइकिल को हम चलें, साइकिल में यदि हम उसके टायर्स में हवा नहीं भरेंगे तो क्या वो चलेगा, नहीं चलेगा। तो मिला जुला के ये कि हमें फ्यूल देना पड़ता है, उसमें ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, तो फ्यूल मीन्स ईंधन। ऐसे ही हमारा बॉडी भी है, ये भी एक मशीन है, इसमें भी हमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। अब क्या होगा सर, हमें फ्यूल कहाँ से मिलेगा, तो हम जो खाना खाते हैं वहीं से हमें फ्यूल मिलता है। तो आइए, फूड इज द फ्यूल ऑफ द बॉडी, भोजन क्या है, हमारे शरीर का एक ईंधन है, फ्यूल मीन्स ईंधन। इन ब्रेकफास्ट वी ईट फ्रूट्स, ब्रेड, एग्स, ETC, एंड इन लंच एंड डिनर वी ईट चपाती, वेजिटेबल्स, राइस, मीट, मिल्क। इन ब्रेकफास्ट हम लोग ब्रेकफास्ट कब करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं, ठीक है। वी ईट, हम क्या खाते हैं, फल लेते हैं, एप्पल, बनाना वगैरह वगैरह, ब्रेड, एग्स, ETC, एंड लंच एंड डिनर जब हम क्या करते हैं, चपाती, वेजिटेबल्स, रोटी, मिल्क, ETC, ये सब चीज़ों को हम लेते हैं ना। सुबह के समय में हमें कम भूख रहती है तो हम चाय, ब्रेड वगैरह इसका यूज़ लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, मिल्क लेते हैं। लंच डिनर का टाइम आता है तो हम वेजिटेबल, चपाती, रोटी वगैरह वगैरह इनका यूजेज करते हैं। Have you ever wondered where these foods come from? क्या आपने कभी सोचा है ये जो चीज़ हम खाते हैं आता कहाँ से, हमें कहाँ से हमें मिलेगा? Let us determine the answer of the question by studying this chapter. आइए इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करते हैं। तो समझ गए, इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे आप लोग कि हमें जीवित रहने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरत चाहिए, क्या क्या चीज़ों को हम कंज्यूम करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कहाँ कहाँ ये हमें मिलती कहाँ से। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है फूड वेराइटी, क्या लिखा हुआ है, फूड वेराइटी। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है फूड वेराइटी। वेराइटी मीन्स अलग अलग तरह के, तो अलग अलग तरह के फूड्स होते हैं। एनी न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंस दैट ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल ईट और ड्रिंक और दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ एंड ग्रोथ इज कॉल्ड फूड। फूड होता क्या है, फूड, ये जो फूड की डेफिनेशन है बच्चों, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, कहाँ से, एनी न्यूट्रिएंट्स से लेके ग्रोथ इज कॉल्ड फूड। फूड यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है। तो पहले मैं इसका मीन्स आप लोगों को बता देता हूँ। एनी न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंस दैट ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स ईट और ड्रिंक,
वे पदार्थ जो हमें न्यूट्रिएंट्स देते हैं, पोषक पदार्थ देते हैं, जिनका और जिनका उपयोग हम अपनी लाइफ को मेंटेन करने में, जीवन जीने में और अपने आप को बढ़ाने में करते हैं, वे सभी पदार्थ फूड कहलाते हैं, मीन्स भोजन कहलाते हैं। समझ गए? ऐसे पदार्थ जो हमारी जीने का सहारा होते हैं, जिनसे हम लाइफ हमारा मेंटेन होता है, हमारे हमें ग्रोथ करता है और जिनसे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? फूड कहलाते हैं। एवरी ऑर्गेनिजम्स स्मॉल और बिग नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल। चाहे जीव छोटा हो या बड़ा, एक चींटी होती है आंट और एक बड़ा सा एलिफेंट होता है, दोनों एक छोटे हैं थोड़ी, चींटी छोटी सी है, उसको भूख नहीं लगेगी आंट्स, ठीक है, कॉकरोच कोई भी हो, एक मॉस्किटो मच्छर भी होता है, उसको भी फूड चाहिए और बड़े से बड़े एनिमल्स को भी फूड चाहिए। हाउ विल यू फील इट यू डोंट ईट फूड फॉर सम डे? कैसा फील करोगे यदि आप कुछ दिनों तक खाना नहीं खाओगे या कुछ टाइम तक खाना नहीं खाओगे? मान लो आज आपने मॉर्निंग में खाना खाया और दिन भर फिर नहीं खाया आपने, एक दिन भूखे रह गए, तो कैसा फील करोगे? तो आपको कमजोरी महसूस होगी, वीकनेस महसूस होगा, फील होगा। ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज टेकन प्लेस इन आवर बॉडी रिक्वायर एनर्जी एंड डेट एनर्जी इज ऑब्टेंड फ्रॉम फूड। ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज है जो हमारे बॉडी करता है, जिनको उसको करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? फूड से। समझ गए बच्चों? तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट का पेज नंबर 5, एक पेज मैंने कंप्लीट रीड करा दिया आप लोगों को। अब जो मैंने बोला है इसको आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा 2 या 3 बार सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हो, आपको कहीं महसूस ही नहीं होगा कि हम घर पर बैठ के पढ़ रहे हैं। यानी ये जब भी आप पढ़ाई करते हो अकेले में पढ़ाई करो, यानी आप सबके साथ बैठे हुए हो तो आपको क्या ध्यान इधर इधर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आज से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।